नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेंगलोर से नई दिल्ली तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेंगलुरु कर्नाटका से नई दिल्ली तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेंगलोर से नई दिल्ली तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर, और वो जो ट्रेन है बेंगलोर के कौन से स्टेशन से कितने बजे कौन से दिन रवाना होती है और दिल्ली के कौन से स्टेशन पर वो कितने बजे पहुंचती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और वो जो ट्रेन है कितना डिस्टेंस कवर करती है, एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेंगलोर से नई दिल्ली के बीच में तकरीबन 7 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें से एक राजधानी ट्रेन है, 3 संपर्क क्रांति ट्रेन है, 1 दुरंतो ट्रेन है, 2 सुपरफास्ट ट्रेन है। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है इस रूट पर है वो है यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिला एसी दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि 31 घंटे 55 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं इन सभी ट्रेनों के बारे में जो कि बेंगलोर से नई दिल्ली के बीच में चलती है। बेंगलोर से नई दिल्ली के बीच में जो सबसे पहली ट्रेन चलती है वो है कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि वाया बल्लारी होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 12649। ये जो ट्रेन है यशवंतपुर जंक्शन बेंगलोर से हर इतवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को दोपहर के 1:50 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 42 घंटे 20 मिनट बाद हजरत निजामुद्दीन में सुबह 8:10 पे 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। यह संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसके तकरीबन 20 स्टेशन से 2748 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 65 किलोमीटर पर आवर। और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन चलती है इस रूट पे है वो उसका नाम भी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, बट ये वाया पुणे होकर चलती है, ये अलग दिनों पे चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 12629। ये हर ट्यूसडे और थर्सडे को यशवंतपुर जंक्शन से दोपहर के 2:30 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 45 घंटे 10 मिनट बाद हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली में सुबह 11:40 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 16 स्टेशन से 2610 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे 58 किलोमीटर पर आवर है। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है और इसमें पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। ये जो ट्रेन है यशवंतपुर से हजरत निजामुद्दीन की जो दूरी है तकरीबन 45 घंटे 10 मिनट में कवर करती है और हर मंगलवार और गुरुवार को ये ट्रेन जो है यशवंतपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलती है। इसके बाद जो तीसरी ट्रेन है जो कि सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है 7 ट्रेनों में से, जिसका नाम है यशवंतपुर चंडीगढ़ कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन। इसका ट्रेन नंबर है 22685। ये जो ट्रेन है यशवंतपुर जंक्शन बेंगलोर कर्नाटका से हर बुधवार और शनिवार को दोपहर के 2:30 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। 45 घंटे 25 मिनट बाद ये ट्रेन जो है नई दिल्ली में सुबह 11:55 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं, 2617 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे 58 किलोमीटर पर आवर है। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेस वाली ट्रेन है और इसमें पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। ये जो ट्रेन है वैसे यशवंतपुर से चंडीगढ़ तक जाती है, बट इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेंगलोर से नई दिल्ली तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। इसके बाद जो अगली ट्रेन है वो डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है, जिसका नाम है कर्नाटका एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12627। कर्नाटका एक्सप्रेस ट्रेन जो है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से हर रोज़ शाम के 7:20 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 37 घंटे 40 मिनट बाद नई दिल्ली में 9:06 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 35 स्टेशन हैं, 2392 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कवर करती है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है तो आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा। एवरेज स्पीड इसकी है 64 किलोमीटर पर आवर और इसे साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। ये कर्नाटका एक्सप्रेस इकलौती सुपरफास्ट ट्रेन है जो कि डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इसके बाद जो डेली ट्रेन है वो राजधानी एक्सप्रेस है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके बाद जो
पांचवी ट्रेन इस रूट पे चलती है जो कि है राजधानी टाइप की ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22691। KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से रोजाना ये रात के 8 बजे 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 33 घंटे 30 मिनट बाद ये ट्रेन जो है हज़रत निज़ामुद्दीन में सुबह 5:30 पर 6 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुँचती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं, 2367 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे 71 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी टाइप की ट्रेन है, साउथ वेस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसका ट्रेन नंबर है 22691 और ये जो ट्रेन है इकलौती राजधानी ट्रेन है जो कि बेंगलोर को हज़रत निज़ामुद्दीन से कनेक्ट करती है। और इसका अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कोच हैं। फर्स्ट एसी का इसमें 1 कोच है, सेकंड एसी के इसमें 5 कोच हैं और थर्ड एसी के इसमें तकरीबन 11 कोच हैं और एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। ये जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से रोजाना चलती है रात के 8 बजे और 33 घंटे 30 मिनट बाद हज़रत निज़ामुद्दीन में सुबह 5:30 पर 6 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। राजधानी टाइप की ट्रेन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसके बाद जो अगली ट्रेन जो कि बेंगलोर को नई दिल्ली से कनेक्ट करती है वो है कोंगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12647। हर इतवार को कृष्णा राजापुरम बेंगलोर से ये ट्रेन जो है रात के 10:43 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 39 आवर्स 32 मिनट्स बाद ये ट्रेन जो है हज़रत निज़ामुद्दीन में दोपहर के 2:15 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुँचती है। इसके तकरीबन 21 स्टेशन हैं, 2282 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे 58 किलोमीटर पर आवर है और इसका ट्रेन नंबर है 12647। कृष्णा राजापुरम से हर इतवार को चलती है और कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है, इसमें पेंट्री कार का कोच शामिल नहीं है। कोंगू एक्सप्रेस वैसे कोयम्बटूर से चलती है बट इस वीडियो में हम बेंगलोर से दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद बेंगलोर से दिल्ली के बीच में जो आखिरी ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिला AC दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन। ये दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन जो है फुली AC ट्रेन है और इसका ट्रेन नंबर है 12213। यशवंतपुर जंक्शन बेंगलोर से ये ट्रेन जो है हर शनिवार को रात को 11:40 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 31 घंटे 55 मिनट बाद दिल्ली सराय रोहिला में सुबह 7:35 पर सोमवार को 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुँचती है। ये 7ों ट्रेनों में से सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है और इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं, 2362 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 74 किलोमीटर पर आवर। दुरंतो टाइप की ट्रेन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC के कोच हैं और एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। तो दोस्तों इसी के साथ बेंगलोर से नई दिल्ली तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।